मैंने अभी देखा ही दे रही मुझे मस्त में थोड़ा सीधा थोड़ा समझ खुलगिला हो गया ना क्या इंडिया वुमेन्स के लिए अनसेफ होता जा रहा है क्या इंडिया वुमेन्स के लिए एक हेल बनता जा रहा है जहां पे चाहे एक फॉरनर एक लेडी हो जो अपने हस्बैंड के साथ घूम रही थी झारखंड में उसके साथ सात लोगों ने रेप किया चाहे कोरियंस हो जो कि अपना एक ट्रैवलिंग कर रहे थे मुंबई के अंदर उनको रोड पे ही कुछ लोगों ने मोलेस्ट किया और हरास किया और अब ये नई वीडियो एक सामने आई है देखिए भैया ये अब क्या कर रही है क्या करी जला रही है फिर ऐसे मस्टरबेट कर रही है नहीं, 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 मैं इसको मैंने अभी दिखाई दे रही मुझे मस्टरबेट कर रहे ना ये गलत लग रहा ये क्या गलत अभी मैंने वीडियो से निकला है भैया ये किस तरह के काम कर रहे आप आपको क्या लग रहा है मुझे मैं अंधा लग रही हूँ भैया अब इसमें वीडियो शूट है आपका लंग बाहर निकल के मस्टरबेट कर रहा मस्टरबेट मुझे वही वीडियो शूट करना से आपको शर्म नहीं आ रही भैया गलत लग रहा है देखिए ऐसे कैसे गलत रहे जीप भी खुला अभी भी मैं निकालू जीत निकालू मैं तो फिर इसमें शूट है मैं दिखाऊं दिखाऊं मैं बिफोर आई टेल यू मोर अबाउट इट नाउ फर्स्ट लिसन टू माई हार्ट and just watch without watching my face imagine a world without a woman where women are not seen because they are scared imagine a world where the woman is not heard as the justice favors the powerful and rich imagine ek aisi duniya jahan pe aapko women's hi na ho to kaisi hogi wo duniya अब आप सोच के भी खौफ में आ रहे होंगे क्योंकि वुमेन के बिना ये दुनिया बहुत ही अधूरी है सो अगर आपको भी लगता है कि इस वीडियो को शेयर करके कुछ चेंज आ सकता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हम इस दुनिया में कुछ चेंज लेकर आ सके और जो ये वीडियो आपने देखी थी इन दिस वीडियो यू जस्ट सीन इज फ्रॉम गुड़गांव एंड एज पर रिपोर्टेड ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि वो एक लेडी कह रही है नागालैंड से लोथा नागा लेडी कह रही है कि भैया आप ये क्या मास्टरबेशन कर रहे हो एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस एंड वो डिनाई कर रहा भैया ये अब क्या कर रही है क्या हो गया करी जला रही है फिर ऐसे मास्टरबेट कर रही है नहीं, वो मैं लेकिन अगर आप उसके एक्सप्रेशंस देखेंगे एक्सप्रेशन स्पीक्स एवरीथिंग मोर देन एनीथिंग और आप देख सकते हैं एंड यही नहीं जब उस लेडी ने बोला कि हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसने वीडियो को रोकने की भी कोशिश करी और डराया बोला कि मैं आपको रास्ते में रोक दूंगा और उन्होंने उसको उनको डराने की बहुत कोशिश करी यही नहीं जब उन्होंने पुलिस को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तो उनका उनको और ज़्यादा डराया गया स्टॉप किया गया बट उन्हें स्टॉप किया गया बट हम अपनी वॉइस को नहीं स्टॉप करेंगे दोस्तों यू एंड मी हैव टू मेक अ डिफरेंस एंड चेंज द वर्ल्ड सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज बी पार्ट ऑफ सच इनिशिएटिव्स एंड रेज योर वॉइसेस बट आखिर अगर हम इनको स्टॉप करें तो स्टॉप करें कैसे आखिर हम कैसे चेंज लेके आ सकते हैं तो फर्स्ट पॉइंट इज वी नीड फास्ट ट्रायल एंड गवर्नमेंट मस्ट टेक एक्शन एंड सेकेंडली वी नीड दैट Women should be not to be blamed because most of the time we do victim blaming and in that what happened what a girl is wearing why she was going out अरे उससे क्या फर्क पड़ता है woman also is a human being I have seen a woman stories in which woman got raped they are just maybe 9 months baby or a 90 year old woman I have seen rapes in burqas I have seen That rapes happening in the saree. So आखिरकार हमारे देश के अंदर हम विक्टिम को ब्लेम करने से पहले हमें रेपिस्ट को ब्लेम करना जरूरी है और एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा जीरो टॉलरेंस अगर ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो अपनी आवाज उठाए आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे लोगों को और प्रोत्साहन मिलेगा इंस्पिरेशन मिलेगी कि और भी लेडीज के साथ वो गलत करे दोस्तों हम तो सोचते थे इंडिया में ही ऐसा होता नहीं ऊबर ड्राइवर्स की जो साइकोलॉजी है और थॉट प्रोसेस है ये पूरे ग्लोबली काफी हैरेसमेंट हुई है
कई गर्ल्स के साथ में, और इंडिया के अंदर तो ये रेप में भी कन्वर्ट हो चुका है कई बार। जो न्यूज आप देख सकते हैं क्लिपिंग्स में आपको दिखा रहा हूं क्या। और सबसे बड़ी बात, लोग सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की गर्ल है तो बहुत ही चीप है और वो कुछ डिफिकल्ट नहीं है कुछ गलत करना, कई बार ऐसे सोचने लग जाते हैं। और आप देख सकते हैं इस व्यक्ति ने तो अपनी पैंट खोल दी, जिप खोल दी और वहीं पे मास्टरबेट करने लग गया। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी कि उस इंसान को यही नहीं पता है कि हाउ टू रिस्पेक्ट नॉर्थ ईस्ट गर्ल्स एंड दे थिंक नॉर्थ ईस्ट गर्ल्स आर चीप। I must tell you, North East girls are most good heart ladies. Do not consider their kindness and they will smile at you even when you are unknown. Just because it is in the culture, they are all welcoming people. And उसी को आप गलत समझ के उसका फायदा उठा के आप उन्हें उनके साथ ऐसे गलत करें तो वो बहुत ही गलत है। ये एक क्राइम है और एक पाप है। मैं आपको कहना चाहूंगा पूरे इंडिया के लोग जो देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट गर्ल्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज, मोस्ट ब्यूटीफुल सोल्स। इफ यू मीट देम यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद देम, बिकॉज इफ दे गिव यू द ट्रस्ट दे गिव यू एवरीथिंग। सो रिस्पेक्ट इट, एंड स्पेशली द ऊबर ड्राइवर का। हमारे पास इसके अंदर स्क्रीनशॉट है, आपके सामने स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं। ये इसकी गाड़ी का नंबर है और हम लोग सिर्फ यही कर सकते हैं, व्हाट एक्शन वी डिमांड इज द जस्टिस, एंड व्हाट एक्शन वी डिमांड जस्टिस फॉर दिस नागा गर्ल एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल द वुमेन्स, वी डिमांड जस्टिस। एंड इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके ताकि हम सोसाइटी में एक चेंज लेकर आ सके। इसको इस मिशन के साथ जुड़िए और हमारे साथ जुड़ के समाज में एक नया चेंज लाने की कोशिश करें। आप में से कई लोग सोचेंगे यार मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं क्यों वीडियो बना रहा हूं, बट मुझे फर्क पड़ता है बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ सिस्टर, मदर एंड लवर्स। एंड इफ यू ऑल्सो हैव, शेयर द वीडियो, ज्वाइन द मिशन, सब्सक्राइब द चैनल एंड यस डू नॉट फॉरगेट, वन स्मॉल मूव can make a big difference.